हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये कह रहा है कि एक बलून है जिसकी ग्राउंड से जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो है 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये कह रहा है कि बलून है और जो लड़की इस बलून को उड़ा रही है उस लड़की के आई से इस लड़की के आई से और ये बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। तो ये एंगल जो एलिवेशन 60 डिग्री है, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री रिड्यूस हो जाता है। कब? जब ये बलून यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब ये बलून यहाँ पे है और ये बलून यहाँ आ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री पर आ गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एंगल फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्रोइंग द इंटरवल। तो बलून ने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्टली तो हमें ये ध्यान रखना है कि बलून की जो हाइट है वो ग्राउंड से हाइट है। बलून की जो हाइट है वो कहाँ से? ग्राउंड से। इसका मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक बलून की जो हाइट है पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक वो 88.2 मीटर है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों ही कंडीशन में गर्ल्स के आई से है। इसका मतलब गर्ल की हाइट को हम माइनस कर देंगे टोटल हाइट में से, तो 88.2 मीटर टोटल हाइट है, उसमें गर्ल्स की हाइट को माइनस कर देंगे तो हाइट आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम यहाँ लिखते हैं हाइट ऑफ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाइट ऑफ बलून फ्रॉम गर्ल्स आई, हाइट है वहाँ पे 88.2 टोटल हाइट थी, गर्ल्स की हाइट है 1.2, इसको माइनस कर देंगे तो जो हाइट है एक्चुअल जो लड़की के आई से जो हाइट है, लड़की की हाइट से जो बलून की हाइट है वो आ जाएगी 87। ठीक है, उसके बाद में ये ट्राइंगल है, पहले इस ट्राइंगल को लेंगे। ट्राइंगल ए, ये पॉइंट ए यहाँ पे है पॉइंट ए, इस पॉइंट को बी यहाँ पे मानना है। तो ट्राइंगल ए बी ई, क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी ई, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ई। अब यहाँ पे वो टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, जब परपेंडिकुलर और बेस हो तो टेन थीटा लगेगा। थीटा यहाँ पे पहले 60 डिग्री था, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। डायग्राम में देख लो पहले, ये डायग्राम है, परपेंडिकुलर है बी ई और बेस है ए बी, तो बी ई अपॉन ए बी, बी ई अपॉन ए बी। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू है यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू बी ई, बी ई की जो हाइट है वो 87 लिखेंगे, 87 अपॉन ए बी, ए बी की हाइट हमें गिवन है नहीं तो वो निकालनी है। ठीक है, अब टेन 60 की वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 87 अपॉन ए बी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, ए बी की वैल्यू आएगी ए बी इक्वल्स टू 87 अपॉन अंडर रूट 3, इसको लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्राइंगल यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, देखो बड़े वाले ट्राइंगल, इसको दोबारा देख लो, दूसरा ट्राइंगल है ए सी और डी, यहाँ पे हाइट वही रहने वाली है, बेस यहाँ होगा ए सी। इन ट्राइंगल ए सी डी यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो लिखेंगे टेन 30 इक्वल्स टू बी ई अपॉन ए सी,
ये सी डी, सी डी अपॉन एस सी, यहाँ सी डी की वैल्यू रूट टेन थर्टी जो है इसकी वैल्यू आएगी वन अपॉन अंडर रूट थ्री इक्वल्स टू सी डी की हाइट वही है 87 और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए सी को वन से करेंगे तो ए सी इक्वल्स टू 87 को अंडर रूट थ्री से करेंगे तो 87 अंडर रूट थ्री, तो ये ए सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये होगी इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट थी इसको हम थोड़ा और सिंपल करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट तीन यहाँ से हटाऊँ मैं तो ये हो जाएगा भाई 87 अंडर रूट थ्री, रैशनलाइजेशन करेंगे इसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट थ्री से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये हो जाएगा 87 अंडर रूट थ्री, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आएगा। अब थ्री से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा भाई 29, 3 2 6 और 27 बचेगा तो 3 9 27 अंडर रूट थ्री। ठीक है, तो ये तो आ गई ए बी की वैल्यू। अब हमें जो बलून ने डिस्टेंस कवर किया था, ट्रेवल किया था, वो निकालना है। भाई बलून पहले यहाँ था उसके बाद यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब बलून ने बी से सी तक का डिस्टेंस कवर किया था। तो हम क्या करेंगे, बी और सी, बी सी की जो डिस्टेंस निकालेंगे उसके लिए हमें ए सी में से ए बी की वैल्यू माइनस कर देंगे। भाई हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है तो कंप्लीट यहाँ से ए सी की वैल्यू हमारे पास है और ए बी की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें से ए सी में से ए बी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ लिख लेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बलून बलून बी सी, बी सी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए बी। ए सी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से देखो, ए सी की वैल्यू है 87 अंडर रूट थ्री, ए सी की वैल्यू है 87 अंडर रूट थ्री माइनस ए बी की वैल्यू है 29 अंडर रूट थ्री। इन दोनों में रूट थ्री कॉमन है तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट थ्री कॉमन लेंगे, यहाँ अंडर रूट थ्री कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 87 और माइनस 29। ठीक है, तो अंडर रूट थ्री इसको माइनस करेंगे, 87 माइनस 29 करेंगे तो ये आएगा भाई, ये हो जाएगा 58, 17 माइनस 9 8, 7 माइनस 2 5। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, अंडर रूट थ्री की वैल्यू आएगी 58 अंडर रूट थ्री है इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो बलून ने तो डिस्टेंस कवर किया था उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, मीटर में हमें गिवन था तो ये हो जाएगा मीटर। इस टाइप से आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।